हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में समझेंगे कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीएससी इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम का भी एक टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। तो इसे हम निकालते कैसे हैं, इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो, अगर आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन के रूल्स मालूम हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। नॉट मोर देन 2 मिनट्स लगेंगे आपको ये निकालने में, अगर आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन अच्छे से आती है तो। देखो, हमारे पास स्टेटमेंट है, डिमांड फंक्शन हमें गिवन दिया हुआ है, पी इक्वल टू 20 - 2x, डिमांड फंक्शन गिवन है। कंज्यूमर सरप्लस हमें फाइंड करना है, प्राइस दे रखा है 4। किस तरह से फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस, देखो, इंटेग्रेशन ऑफ fx, जो हमारा फंक्शन है fx, ठीक है, fx की जगह पे अगर आपको इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया है तो आप वो अप्लाई नहीं कर सकते। डिमांड फंक्शन इस तरह से होता है, इनवर्स डिमांड फंक्शन में हमारी ये x इधर होगा एंड p इक्वल टू के इधर होगा। उस वाली सिचुएशन में जो है हम कंज्यूमर सरप्लस को फाइंड नहीं करेंगे, हमारे पास डिमांड फंक्शन ही ज़रूरी है। अगर आपके पास डिमांड फंक्शन नहीं है, इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया है तो आप उसे पहले कन्वर्ट करेंगे डिमांड फंक्शन में, ठीक है। अच्छा, देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पे fx लगा दिया, जो हमारा डिमांड फंक्शन था 20 - 2x, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स हमें दे रखी है 0 to x, माइनस प्राइस क्या है हमारे पास 4 है एंड जो x है क्वांटिटी वो हमारे पास 8 कहाँ से आई। देखो, p इक्वल टू 20 - 2x था, प्राइस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 20 - 2x, 4 - 20 = -2x, यहाँ पे -16, x आ गया आपके पास 8, ठीक है, x की जगह हमने 8 लिख लिया। लिमिट्स में भी आप क्या करेंगे, x की जगह आप 8 लिखेंगे। देखिए, इसकी इंटेग्रेशन हमने की है, 20 है तो इंटेग्रेशन करके क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। 2x है तो क्या करते हैं, इंटेग्रेशन में पावर को प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा, 2x² / 2, ठीक है। लिमिट्स हमने लगा दी 0 से x थी तो 0 से 8 लगा दी, बिकॉज x हमारा 8 है, मल्टीप्लीकेशन 32 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 20 - 8 माइनस, देखो 8 से 0 लिमिट्स थी ना, हमने उसी तरह से इसे करना है, सबसे पहले 8 पुट करेंगे माइनस फिर 0 पुट करेंगे। देखो, 20 * 8 - 2, 8² / 2 माइनस, अब 0 की वैल्यू भी पुट करनी है, चाहे वो 0 ही आएगा करके तो, -32 साथ में ही। अब अगर हम इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा यहाँ पे माइनस, इसे सॉल्व करोगे अगर आप, 2 से 2 कट गया तो 64 रहा, माइनस 20 * 0 = 0, ये सारा 0 ही बन गया, -32, ये आपके पास आ गया। सॉल्व करके आपके पास 64 जो है कंज्यूमर सरप्लस आपका निकल आया। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू।